हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की वूल ली है। आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैंने ओवल शेप का बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ग्रीन कलर से इसमें फंदे लूंगी। तो यहां से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। आठ फंदे हमने ये ग्रीन कलर से लिए। और देखिए, अब हम यहां से पिंक कलर से फंदे लेंगे। तो यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदे हमने पिंक कलर से ले लिए। अब देखिए, चार फंदे हम फिर से ग्रीन कलर से लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। अठारह फंदे हो गए मेरे पास। अब देखिए, हम यहाँ से फर्स्ट रो उल्टी बुनेंगे। तो यहाँ से एक, दो, तीन, चार, अब देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, अब देखिए इसको यहाँ से, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। अठारह फंदे हमने बुन लिए, पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस फंदे को हम उतार लेंगे, एक तरफ से बुनेंगे, एक तरफ से उतारेंगे। यहाँ से दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसको हम क्रॉस कराएंगे ऐसे। छह फंदे हम पिंक कलर से बुनेंगे। अब देखिए, इसको हम दोनों तरफ से ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पे 12 रो बना के कंप्लीट करेंगे, दोनों तरफ की 24 रो, 12 गांठ स्टिच आ जाएंगे। उसके बाद हम आपको आगे का दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 12 रो बना के मैंने कंप्लीट कर ली। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। तो ये दोनों तरफ की 24 रो बन गई हैं। और देखिए, अब देखिए हम यहाँ से एक एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। तो इस फंदे को हमेशा उतारना ही है आपको, एक तरफ से, एक तरफ से बुनना है। देखिए, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसको हम क्रॉस करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसको पीछे कर देंगे, यहाँ से ग्रीन को आगे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, ये चार फंदे यहाँ पे ग्रीन के हैं, इनको हम एक एक करके अब सभी फंदों को छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ से जो जैसा उसको हम वैसे ही बुनेंगे। हम इसको ग्रीन से बुनेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे तक दबाएंगे ताकि यहाँ पे लूज ना छूटे ये धागा। अब दोनों तरफ से इसको हमें ऐसे ही बनाते जाना है। अभी देखिए, अब यहाँ से इस फंदे को हम उतारेंगे, उधर से हमने बुन लिया, इधर से उतार लिया, दो, तीन,
चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसको हम पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम दो फंदे बुनेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम लास्ट के ये दो फंदे तक इसको छोड़ देंगे। दो फंदे छूट गए हैं, दो दो करके हम सभी फंदे छोड़ लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आगे का आपको। ये देखिए यहाँ से हमने एक एक फंदा छोड़ते हुए लास्ट के दो फंदे तक हमने इसको ये छोड़ दिया है। अब देखिए हम यहाँ से सारे फंदे वापस बुन लेंगे। दो फंदे तक हमने छोड़ा है एक एक करके, यहाँ से हम सभी फंदे फिर से बुन लेंगे। देखिए इसको पीछे कर देंगे, पिंक कलर को आगे लाएंगे। ये देखिए अब यहां से इसको एक, दो, तीन, चार, ये देखिए फिर से हमने ये सारे फंदे यहाँ तक बना लिए। अब देखिए अगली रो से हम फिर से छोड़ना शुरू करेंगे एक एक फंदा। ये देखिए यहाँ से हम पूरा ऐसे उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए तो हम इसको बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से एक एक फंदा छोड़ना शुरू करेंगे दोबारा से। अब पिंक कलर को हम आगे लाए, पिंक कलर से पिंक कलर के फंदे बुन लेंगे। ये देखिए इसको पीछे करेंगे, यहाँ से ग्रीन आगे लाएंगे ऐसे, और यहाँ से देखिए अब हम तीन फंदे बुनेंगे, एक छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। और देखिए फिर से हम लास्ट के दो फंदे तक इनको छोड़ेंगे, इसको हम ऐसे करते जाएंगे और यहाँ से कलर चेंज करते जाएंगे। तो हम इनको भी एक एक करके लास्ट के दो फंदे तक छोड़ लेते हैं। ये देखिए दोबारा से हमने दो फंदे तक छोड़ लिए, फिर से एक एक फंदा छोड़ते हुए। अब देखिए हम वापस सारे फंदे बुन लेंगे। ऐसे इसको हम उधर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से देखिए सारे फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए तीसरी बार, दो बार हम कर चुके हैं ये एक एक फंदा छोड़ते हुए, एक बार और हम इनको छोड़ेंगे लास्ट दो फंदे तक। ये देखिए यहाँ पे 12 रो हमने फिर से बना के कंप्लीट कर रही है इस ये देखिए इधर भी हमने 12 रो बना ली हैं। यहाँ से काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। अब देखिए इसके बराबर ये आ गया। देखिए जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 12 रो बनाई, उसके बाद हमने एक एक फंदा छोड़ के तीन कलियाँ बनाई। अब हम यहाँ से वापस एक एक फंदा छोड़ के इस तरह की ये तीन कली बनाऊंगी तो ये राउंड में यहाँ तक आ जाएगा, पूरा इधर का ओवल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों तरफ की 24 रो बन चुकी हैं। अब यहाँ से हम इसको आगे लाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ से एक एक फंदा छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए एक छोड़ दिया,
अब देखिए इसी तरीके से हम लास्ट दो फंदे तक इसको छोड़ देंगे, वापस फिर हम सारे फंदे बुनेंगे, उसके बाद फिर से हम छोड़ना स्टार्ट करेंगे। तीन बार हम ये इस तरह की तीन कलियां डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है वीडियो में, तो इस तरह से हम बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए इस तरह से हमने तीन कली इसमें भी बना ली हैं। अब देखिए हम यहाँ तक ये तीन कली यहाँ पे पूरी होती हैं, तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा इतना। अब यहाँ से हम एक रो सभी फंदों की लास्ट तक बुनते हुए जाएंगे, इस रो में जो जैसा कलर है उसी से हम बनाएंगे। ये देखिए सब छोड़ चुके थे हम फंदे एक एक करके, जैसे हम कली बना रहे थे वैसे ही बनाई, तो अब हम इसको आगे करेंगे, इनको भी बुन लेंगे, ये भी छूटे हुए फंदे हैं एक एक। ये देखिए इसको पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, अब ये वाले फंदे ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हम इधर से सभी फंदे बंद कर देंगे दो का एक करते हुए ऐसे, ये देखिए। अब यहां से हम पिंक कलर से बंद करेंगे, ये देखिए ऐसे। अब यहां से ग्रीन कलर से ये देखिए सारे फंदे हमने यहां तक बंद कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इस बुल को कट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए इस तरह से ये बन के आ जाएगा, तो हम देखिए यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे, इसको मिलाते हुए यहाँ तक जाएंगे, फिर ये वाला सेंटर बंद कर देंगे इसका। तो देखिए आपको ये मिलाते हुए ही सिलना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ से देखिए जो जैसा उसको वैसे ही इसको मिलाते हुए जाना है आपको। यहाँ पे हम इतना ये छोड़ देंगे, पिंक कलर वाला जो पार्ट्स है वो हम छोड़ देंगे, फिर हम पिंक कलर की बूल से सिल लेंगे। यहाँ से अब हम ग्रीन का इधर को इतना लंबा धागा छोड़ दिया मैंने, ये आप देखिए ये वाला जो पार्ट्स है इसको भी हमें ऐसे देखिए ये देखिए ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बना के आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये काफ़ी कम फंदों से काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होता है। ये देखिए यहाँ पे हम इसे पक्का करके और इसको हम कट कर देंगे।